आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बेजान स्किन को इन 5 तरीकों से ग्लोइंग स्किन में बदल सकते हैं और आप अपने चेहरे की खूबसूरती को वापस ला सकते हैं जो इस बेजान स्किन के पीछे कहीं खो सी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेस वॉश का इस्तेमाल करें। हमारी स्किन बहुत नाजुक होती है, इस पर अगर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वह धीरे धीरे रफ होने लगती है। अच्छा होगा कि आप साबुन की जगह फेस वॉश या फेस पैक का इस्तेमाल करें। खूब पानी पिए। हेल्थ के साथ साथ स्किन को भी हेल्दी रखने का बेहतरीन तरीका होता है ढेर सारा पानी पीना। अगर हम पानी कम मात्रा में पिएंगे तो स्किन ड्राई और डेड होने लगेगी, इसलिए पानी जरूर पिए। वर्कआउट करें। वर्कआउट करना जहाँ हमारे शरीर को फिट बनाए रखता है, वही ये हमारी स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। वर्कआउट से भी आपकी स्किन को चमक मिलती है। पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है। एक व्यक्ति को करीब 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप इससे भी कम नींद लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किन को भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। आपकी स्किन चमकती रहे इसके लिए आपको पूरी नींद लेना बेहद जरूरी है। जंक फूड कम और फल सब्जी ज्यादा खाएं। अपनी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाना है तो जंक फूड से दूरी भी बनानी होगी और इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा फलों सब्जियों को अपने आहार का हिस्सा बनाना होगा। मुहासों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं घरेलू टिप्स। रातों रात पिंपल से छुटकारा पाने के लिए आप दवा पर भरोसा नहीं कर सकते। यह केवल उन लक्षणों से छुटकारा पाने में मदद करेंगे जो मुहासों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्लैकहेड्स और पिंपल का मूल कारण अभी भी बरकरार है। नीचे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान प्राकृतिक उपचार जिनका उपयोग करके आप रात भर में पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। टूथपेस्ट। यह घरेलू तत्व एक बहुत ही प्रभावी उपाय है और पिंपल से छुटकारा पाने का सबसे तेज तरीका है। आपको बस इतना करना है कि आप रोज रात को सोने जाने से पहले अपने पिंपल पर टूथपेस्ट लगा सकते हैं और जब सुबह हो जाए तो इसे साफ पानी से धो ले। इससे पिंपल से जल्दी छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। लहसुन। एक और बहुत अच्छा घरेलू उपाय है लहसुन का उपयोग करना। आप बस लहसुन को अच्छी तरह से मैश कर ले और फिर इसे सीधे अपने चेहरे और त्वचा के प्रभावित हिस्से पर लगाकर छोड़ दें। फिर आप इसे 8 से 10 मिनट बाद धो ले। इससे त्वचा पर संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा मिलेगा। टी ट्री ऑयल। इस तेल में अच्छे एंटी बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा और शरीर को प्राकृतिक लुक देने में मदद करते हैं। आपको इस तेल को अपने पिंपल्स पर रोजाना लगाना चाहिए। तो अगर आप भी अपने पिंपल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी ये घरेलू टिप्स अपना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और आपको कभी कभी गर्मी, कभी कभी बारिश तो कभी कभी तेज धूप का सामना करना पड़ता है। दिन भर में इतने बदलावों के बाद आपकी त्वचा प्यार भरी देखभाल चाहती है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे आसान टिप्स जिनके जरिए गर्मियों में भी आपकी त्वचा की दमक बरकरार रहेगी। कम से कम मेकअप, जितना हो सके कम से कम मेकअप का इस्तेमाल करें। ज्यादा मेकअप के प्रयोग से त्वचा को खासा नुकसान भी होता है। पानी से करें दोस्ती। हेल्दी स्किन और हेल्दी बॉडी दोनों के लिए पानी बेहद जरूरी है। हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। सनग्लासेस का करें इस्तेमाल। सनग्लासेस आपकी आंखों को ही आराम नहीं देता बल्कि तेज धूप से आपकी आंखों की नाजुक स्किन को भी झुलसने से बचाता है, साथ ही डार्क सर्कल की समस्या को भी दूर करता है। सनस्क्रीन, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करें। ये ध्यान रखें कि यह आपकी स्किन के हिसाब से होना चाहिए। पौष्टिक खान पान, गर्मियों में हल्का और पोषक खाना खाने की सलाह दी जाती है। अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए ताजे फल, हरी सब्जियां जरूर खाएं। अपने खाने में खीरा, पालक, तरबूज, संतरा और लीची को शामिल जरूर करें। आज के वक्त में लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान नजर आते हैं, चाहे फिर वह डायबिटीज हो या फिर कैंसर या फिर दिल से जुड़ी बीमारी। इन्हीं बीमारियों की वजह से आज लोग दवाइयों के आदि हो चुके हैं और घर में ही पाए जाने वाली औषधि को भुला चुके हैं। घर में आसानी से मिल जाने वाले इन औषधियों में से एक है तुलसी के पत्ते, जिनमें कई गुणों का भंडार है। तुलसी की पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। क्या आप जानते हैं कि अगर रोजाना तुलसी की पत्तियों को दूध में उबालकर पिया जाए तो बहुत से रोगों से खुद को बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी और दूध के फायदे। दूध में तुलसी के पत्ते उबालकर पीने के फायदे। अस्थमा में फायदेमंद, अगर आप में से किसी को अस्थमा की परेशानी है तो दूध के साथ तुलसी की पत्तियों को उबालकर पिए। ऐसा करना दमा रोगियों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। माइग्रेन की परेशानी से राहत, दूध में तुलसी के पत्ते उबालकर पीने से सिरदर्द या माइग्रेन जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है। नियमित रूप से इस औषधि का सेवन इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकता है। तनाव होता है दूर, तुलसी के पत्तों में जादू होता है। अगर आप तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्या से घिरे रहते हैं तो दूध में तुलसी की पत्तियों को उबालकर ले और उसे पिए। दिल की बीमारी और पथरी की समस्या से मिलता है छुटकारा। दूध में तुलसी के पत्तों को उबालकर पीने से हमारा दिल स्वस्थ रहता है। अगर इसे नियमित रूप से खाली पेट पिया जाए तो हृदय रोगियों को काफी फायदा मिलता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को पथरी की समस्या है तो उसे नियमित रूप से खाली पेट दूध में तुलसी की पत्तियों को उबालकर पीना चाहिए। ऐसा करने से किडनी की पथरी की समस्या और दर्द दूर हो जाता है।
तो अगर आप भी रहना चाहते हैं स्वस्थ, तो आप भी अपनाएं इन तरीकों को और जिए हेल्दी लाइफ। क्या आप जानते हैं कि बुरी आदतें आपकी सुंदरता को खराब कर सकती हैं? अगर आप भी इन गलत आदतों में शामिल हैं, तो अपनी आदतों को बदलें, नहीं तो आपकी बुरी आदतें आपकी खूबसूरती को खराब कर सकती हैं। आज हम आपको इन आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके खूबसूरत चेहरे का लुक बिगाड़ सकती हैं। बार बार चेहरा छूना। कुछ लड़कियों की आदत होती है कि वे बार बार अपने चेहरे को छूती रहती हैं। आप अनजाने में बैक्टीरिया, धूल, गंदगी को अपने चेहरे पर ले जाते हैं और फिर त्वचा की समस्या शुरू हो जाती है। अपने पिंपल्स को बार बार पोक करके आपके मुहासों की समस्या बढ़ सकती है, जिससे चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं। अगर आप दमकती हुई त्वचा चाहते हैं, तो पिंपल को बार बार पोक ना करें। बार बार चेहरा धोना। नरम, मुलायम और सुंदर त्वचा की चाहत में कई लड़कियां बार बार अपने चेहरे को साबुन से धोने की गलती करती हैं। ऐसा ना करें। अपनी त्वचा के हिसाब से अपना फेस वॉश चुनें और अपने चेहरे को दिन में दो बार से अधिक ना धोएं। एक पुराने मेकअप ब्रश का उपयोग करना। अक्सर कई लड़कियां कभी नहीं देखती कि मेकअप ब्रश जो है वो कुछ समय से इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें कभी साफ या बदला नहीं गया, इसलिए सप्ताह में एक बार अपने मेकअप ब्रश को जरूर साफ कर लें। मेकअप हटाना भूल जाना। हर रात सोने से पहले मेकअप को हटाना बेहद जरूरी होता है। अगर आप आलस के कारण मेकअप नहीं हटाते, तो आपकी त्वचा रात भर में सांस नहीं ले पाती, इसलिए रोज रात चेहरे को साफ करना जरूर चाहिए और मॉइस्चराइज जरूर लगाएं।